अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बियावरी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आए डालते हैं नजर एक अहम खबर की जानिब। बीजेपी की काली करतूत का हुआ पर्दाफाश। अखिलेश यादव का बीजेपी के खिलाफ बयान, कहा कि ईवीएम को चोरी किया जा रहा है, बगैर कोई कैंडिडेट्स को इतला करते बीजेपी ईवीएम को चुरा कर ले जा रही है और उसका घोटाला करते पकड़ी गई। वाराणसी में ईवीएम चोरी का इल्जाम, ईवीएम से भरी ट्रॉली को लेकर जाने वालों को रोक लिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी को चोर कहकर ये कहा कि नेशनल चैनल पे इसकी न्यूज़ तो कोई नहीं चलाएगा। बीजेपी वालों ने एग्जिट पोल के जरिए सभी को जीतने वाली उम्मीद दी है, लेकिन असल में ये ईवीएम का घोटाला करने के लिए मशहूर है, अखिलेश यादव ने कहा। आइए देखते हैं तफसीली सैयद मुजम्मिल की बयाबानी न्यूज़ से। अ व्हीकल फुल ऑफ ईवीएम्स वॉज कॉट इन पहाड़िया मंडी ऑफ वाराणसी। पीपल्स एलिगेशंस दैट The administration is trying to change the EVM. Exit polls want to create a perception that BJP is winning. This is the last fight for democracy. EVM is being transported without being informed to candidates. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has slammed the BJP. Bureau report from Senior Reporter Syed Musamil, Biyabani News. इसी तरह की हम खबरों के लिए Biyabani News चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला।